वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोयोटा करोला जीएलआई 2010 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू दूंगा। आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाएंगे, इंटीरियर दिखाएंगे। आई एम सॉरी, लाइट थोड़ी सी कम है तो हो सकता है कि फुटेज थोड़ी सी अच्छी ना हो। तो पहले आपको गाड़ी की फ्रंट एंड बैक साइड से लुक दिखाते हैं ताकि आपको गाड़ी की कंडीशन का भी आइडिया हो जाए, और फिर उसके बाद डिटेल में आपको इन्फॉर्म करेंगे। टोयोटा करोला जीएलआई 2010 मॉडल है और ये बेसिकली ब्लू कलर है। ओके, फ्रंट पर आपको हैलोजन लाइट्स दी गई हैं क्रिस्टल हेडलैम्प्स में। इसके टर्न सिग्नल आपको हैलोजन लैंप्स में मिलते हैं, साथ ही इसकी हाई बीम जो है वो भी आपको हैलोजन लैंप में दी गई है। फोग लैंप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, और बॉडी कलर में इसका फ्रंट बम्पर आता है। ग्रिल अभी आप इसकी देख सकते हैं, टोयोटा का लोगो इसके ग्रिल के ऊपर मिलेगा आपको, और क्रोम में इसकी ग्रिल प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं साइड फेंडर की बात करूं तो इसके फेंडर के ऊपर आपको VVTi लिखा मिलता है। साइड जो इसका टर्न सिग्नल है वो आपको इसके साइड व्यू मिरर के ऊपर मिलता है। बॉडी कलर में इसका साइड व्यू मिरर आपको मिलेगा, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड साइड व्यू मिरर इसमें आपको मिल जाता है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको बॉडी कलर में मिलते हैं, और फ्रंट पर आपको की होल्स की ऑप्शन मिलती है। बैक साइड से भी अभी आप इसका डोर देख सकते हैं। इसके फ्रंट पर आपको मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन मिल जाएंगे। फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है, और ये गाड़ी ABS की ऑप्शन के साथ आती है। अलॉय व्हील्स की ऑप्शन आपको इसमें मिलेगी। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ, 205/65 इसका टायर साइज़ है, और 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं फ्रंट पर और बैक साइड पर। बैक पर भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, और व्हील्स की कंडीशन आप इसकी देख लें। उसके अलावा बैक साइड पर जो इसकी रियर विंड स्क्रीन है ये डीफॉगर की ऑप्शन के साथ आती है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आपको इसकी विंड स्क्रीन के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा बैक साइड पर इसकी जो तमाम लाइट्स हैं ये हैलोजन लैंप्स में आती हैं। बैक पर आपको टोयोटा का लोगो मिलता है। इसका टर्न सिग्नल, रिवर्स लैंप और ब्रेक लैंप आपको हैलोजन लैंप में मिल जाएंगे। उसके अलावा इसका जो बम्पर है ये बॉडी कलर में आता है, और रिफ्लेक्टर्स की ऑप्शन आपको इस पर मिल जाएगी। चलिए इंटीरियर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसके ड्राइवर डोर की बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्किन और ग्रे कलर में इसका डोर डिज़ाइन किया जाता है। ब्लैक कलर का पैनल मिलता है, उसके ऊपर विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के बटन्स हैं। ड्राइवर विंडो ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ है। उसके अलावा आपको यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन मिलता है। प्लास्टिक में इसका डोर लैच प्रोवाइड किया जाता है। डोर के ऊपर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, पानी की बॉटल आप इसमें रख सकते हैं, और एक स्पीकर आपको इसके डोर के ऊपर दिया गया है। इसमें आपको 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग व्हील इसमें आपको मिल जाता है जो कि 3-स्पोक होता है। उसके अलावा सॉफ्ट प्लास्टिक इसके मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसमें अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ, व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल होता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं मजीद इंटीरियर की बात करूँ तो स्टेयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर आपको 2 एयर वेंट्स मिलते हैं, एक पैसेंजर के लिए और एक ड्राइवर के लिए। हैजल लाइट कंट्रोल स्विच मिल जाएगा आपको यहाँ पर। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा जो कि टच स्क्रीन के ऑप्शन के साथ आता है। नेविगेशन इसमें आपको मिल जाती है। उसके अलावा इसमें आपको SD कार्ड वगैरह की ऑप्शन मिल जाती है, और USB की, और यहाँ पर DVD की ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएगी। मैनुअली कंट्रोल्ड AC और हीटर के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर एश ट्रे है, और यहाँ पर आपको इसके लाइटर के लिए ऑप्शन दी गई है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। उसके अलावा यहाँ पर कप होल्डर्स आपको मिलते हैं इसमें, और मैनुअली पार्किंग ब्रेक इसमें आपको दी गई है। पैसेंजर के लिए आपको एक एयरवेंट मिलता है। इस गाड़ी में आपको मैं बताऊं, 2010 मॉडल है, और SRS एयरबैग की ऑप्शन आपको नहीं दी गई। यहाँ पर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट ऊपर दिया गया है, नीचे एक आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। अगर पैसेंजर के लिए बात की जाए तो सेम इसका डोर डिज़ाइन किया जाता है, डुअल टोन में, स्किन और डार्क ग्रे कलर में। उसके अलावा ब्लैक पैनल के ऊपर आपको विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन मिलता है। यहाँ पर प्लास्टिक में डोर लैच है, और स्टोरेज कंपार्टमेंट पानी की बोतल रखने के लिए जगह है, और एक स्पीकर आपको इस पर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर रूफ़ पर आपको इसमें सनशेड्स मिल जाते हैं, जिन पर आपको मिरर की ऑप्शन, ड्राइवर सनशेड के ऊपर मिरर की ऑप्शन नहीं मिलती, जबकि पैसेंजर पर मिरर मिल जाता है, और लाइट की ऑप्शन आपको दोनों सनशेड पर नहीं मिलती। आपको एक यहाँ पर बैक साइड पर लाइट मिल जाएगी। उसके अलावा रियर व्यू मिरर आपको इसमें मिल जाएगा। अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी फैब्रिक में सीट्स आती हैं, बीज कलर में इसकी सीट्स डिज़ाइन की जाती हैं, और फ्रंट पर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों सीट्स के लिए आपको हेडरेस्ट मिल जाता है। उसके अलावा फ्रंट पर मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। अगर मैं इसकी बैक सीट्स की बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बैक पर तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा, आर्म रेस्ट की ऑप्शन और कप होल्डर्स की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। बैक सीट्स भी इसकी जो है फैब्रिक में बीच कलर की डिज़ाइन की जाती हैं। उसके अलावा जो इसका बैक डोर है, इसकी भी डुअल टोन में डिज़ाइनिंग की गई है। आपको डोर लैच जो है प्लास्टिक में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको इसके डोर के ऊपर विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन मिलता है, एक स्टोरेज कंपार्टमेंट और स्पीकर की ऑप्शन आपको इसके डोर के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसमें आर्म रेस्ट की ऑप्शन मिल जाती है, और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको मिल जाएगा। आगे पार्ट
बैक लाइट्स भी आपको मैं इसकी दिखा देता हूँ। आपको मैं इस गाड़ी का इंजन भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा जी इस गाड़ी का इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोयोटा कोरोला GLI 2010 मॉडल है और बाकी इंजन के हवाले से तमाम तर डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही होगी। लास्ट में अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूं तो यहां पर सिटी मोटर्स के ऊपर इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस जो है 15 लाख रुपये डिमांड की जा रही है। गाड़ी की कंडीशन वगैरह आपने देख ली, अंधेरे की वजह से इतनी ख़ास तो हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, बहरहाल आप ख़ुद भी बजाते खुद यहाँ पर विज़िट करके गाड़ी को देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको नंबर प्रोवाइड किया गया, अगर आप गाड़ी को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। इस गाड़ी के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।